नमस्कार, मैं हूं प्रगति। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगर निगम परिषद में निगरानी समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारियों को कहा गया कि अगर कोई भी नया सदस्य किसी भी वार्ड में आता है तो उसकी सूचना तत्काल पार्षद के माध्यम से नगर निगम के अधिकारी को दी जानी चाहिए, जिससे बाहर से आए व्यक्ति की कोरोना जांच की जा सके। इस बात को लेकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल जैन ने कहा कि नगर निगम परिसर में कोविड कंट्रोल रूम में बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए संक्रमित लोगों के घरों के साथ पूरे इलाकों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। सहारनपुर से संवाददाता मदन सिंह की ये रिपोर्ट। चीज की मीटिंग की आज ये हमने हमारे कोविड कंट्रोल रूम की हमने मीटिंग ली थी। इस तरह हमारी हमारे जिला अधिकारी महोदय साहब, नगर आयुक्त साहब, कमिश्नर साहब के आदेश अनुसार हमारी जो मोहल्ले निगरानी समितियाँ हैं नगर निगम के क्षेत्र में, हमने उन सबको एक्टिव किया है। उनके माध्यम से हम ये पता कर रहे हैं कि कौन से मरीज बाहर से आ रहे हैं, कौन से पॉजिटिव हैं, तो उसी की बैठ के हमने सब कोविड कंट्रोल रूम में जो हमने नगर निगम के अंदर बनाया है उसमें हम जानकारी ले रहे थे कि भाई कितने मरीज आए हैं, कब आए हैं, कौन से राज्य से आए हैं। कोरोना का कैसे चल रहा है इस समय? कोरोना का लोग केसेस जिस तरह के आ रहे हैं उसको देखते हुए हम पूरी अपनी तैयारी कर चुके हैं। हमारे हर वार्ड के अंदर सैनिटाइजेशन हो रहा है। जो भी हमें सूचना जैसे ही तुरंत मिलती है कि यहाँ फलाना मरीज पॉजिटिव आया है या ये मरीज पॉजिटिव आया है, तो उसके घर को सैनिटाइजेशन होता है पता, प्लस उसके सारा उसका जितना कंटेनमेंट जोन है वो हम उसको पूरा सैनिटाइज कराते हैं। एक चीज़ और हमारे नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जैसे उसके घर का जो कूड़ा होता है उसको भी हमारे द्वारा पहले दिन अलग रख के सैनिटाइज करके फिर अगले दिन हम उसको उठवा देते हैं। कोविड के मेरी सभी लोगों से, पार्षद जी से, नगरवासियों से, सभी से ये एक अपील है कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है और हमें अभी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और कृपया हाथ धोए बार बार, सैनिटाइज का प्रयोग करें, 2 गज़ की दूरी रखें, मास्क लगाएं, क्योंकि यही हमारा बचाव है। अगर हमारी ढील हो गई तो इसमें खतरा बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं।